हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉडर्न क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। तो भैया, आज जब आप उठे होंगे और आपने जब कॉइन मार्केट कैप खोला होगा तो आपके जो के तोते उड़ गए होंगे, यानी आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई होंगी, आपके पैरों के तले जमीन निकल गई होगी और आपने देखा होगा कि आज जो के पूरी क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा बड़े वाले डिप के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो के बिटकॉइन ने काफी ज्यादा प्राइस को डिक्रीज कर दिया, यानी कि $35,000 के ऊपर जो की अभी बिटकॉइन की प्राइस पहुंच चुकी है और यहाँ पर $2,000 के ऊपर इथेरियम पहुंच चुका है और यहाँ पर जो कि काफी ज्यादा प्राइसेस डिक्रीज होती हुई जा रही है और यहाँ पर सारे अल्ट कॉइन जो कि डिप में अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो कि हर तरफ सिर्फ मार्केट रेड होती हुई जा रही है। अब भैया, इसके पीछे भी एक मेजर रीजन है। तो भैया, अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है किसी भी टोकन के अंदर एंट्री लेने का। अब यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, यहाँ पर लोग जो कि पैनिक होकर अपने टोकन को सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब भैया, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अपने टोकन को सोल्ड आउट कर देंगे तो आप जो कि एक अच्छी खासे डिप के अंदर चले जाएंगे, यानी कि आपको जो कि एक अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया आज जो कि पूरी मार्केट काफी ज्यादा डिप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी भी सेल नहीं करेंगे, यहाँ पर जितना हो सकेगा परचेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई किसी टोकन को परचेस करता है तो भी जो कि टोकन की प्राइस डिक्रीज होती हुई जा रही है। इसके पीछे भी एक मेजर रीजन है और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप जो कि अभी होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो कि जल्द ही रिकवर होना स्टार्ट होगी और आपका जो कि जितना भी नुकसान हुआ है वो भी रिकवर होता हुआ जाएगा और यहाँ से पूरी मार्केट जो कि एक नई ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकती है। अगर यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है तो भी आपको जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और आपका जो नुकसान हुआ होगा वो भी जो कि रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि पेशेंस रखनी चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। भैया, अगर यहाँ पर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन जो कि आज के दिन के अंदर 20% का डिप के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन जो कि 2619 के ऊपर पहुंच चुका है। तो आज जो कि बेबी डॉज कॉइन की प्राइस काफी ज्यादा डिक्रीज होती हुई जा रही है। और अगर बात करें रैंक के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2867 जो कि अभी रैंक है बेबी डॉज कॉइन की। इसके अलावा यहाँ पर जो कि $1 बिलियन से भी ज्यादा बेबी डॉज कॉइन का मार्केट कैप बन चुका है। देन यहाँ पर बात करें 24 आवर के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $15 मिलियन के ऊपर जो कि अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम है बेबी डॉज कॉइन का। तो आज बेबी डॉज कॉइन काफी ज्यादा डिप में दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि किस वजह से जो कि पूरी मार्केट डिक्रीज हुई जा रही है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो कि पूरी मार्केट रेड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू टुडे की न्यूज के अकॉर्डिंग यूरोप ऑन ट्रैक टू बैन बिटकॉइन। अब भैया, यहाँ पर जो कि यूरोप के अंदर बिटकॉइन को बैन करने की बात की जा रही है। अब ये काफी ज्यादा बैड न्यूज है क्रिप्टो होल्डर्स के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन विल बी बैंडेड इन द यूरोप स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 इफ द कमीशन एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप डोंट डिच द क्रिपलिंग अमेंडमेंट टू द MiCA फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि 2025 के अंदर बिटकॉइन को जो कि यूरोप के अंदर बैन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो कि पूरी मार्केट डिप के अंदर जा रही है, पूरी मार्केट जो कि रेड होती हुई जा रही है, यहाँ पर सारे टोकन्स का हाल जो कि बेहाल हुआ पड़ा है। अब यकीन मानो कि यहाँ पर जो काउंसिल बात कर रही है उसके ऊपर एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर बुरे हालात पैदा करने की कोशिश जरूर की जा रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन की कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्स वॉचर की न्यूज के अकॉर्डिंग 10.82 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन बर्न टुडे एंड 430 न्यू होल्डर्स टुडे। तो भैया, यहाँ पर 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा बेबी डॉज कॉइन को बर्न कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कि 430 जो कि न्यू होल्डर्स बन चुके हैं बेबी डॉज कॉइन के आज के दिन के अंदर। तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा मिकदार के अंदर बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग भी होती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो कि धीरे धीरे बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई को डिक्रीज किया जा रहा है। उसके अलावा जो कि होल्डर्स काफी ज्यादा मित्रा के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें अभी करंट होल्डर्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.4 मिलियन 32,863 जो कि अभी करंट होल्डर्स हैं बेबी डॉज कॉइन के। अभी यहाँ पर होल्डर्स जो कि आपको जल्द ही 2 मिलियन होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो कि आजकल सिर्फ और सिर्फ बेबी डॉज कॉइन का ही ट्रेंड छाया हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप इस पैनिक सिचुएशन के अंदर अभी फिलहाल जो कि अपने टोकन्स को होल्ड करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ये मार्केट रिकवर होती हुई दिखाई देगी और आपका जो अभी नुकसान हो रहा है वो भी रिकवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो भैया, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो आपको भी क्रिप्टो करेंसी से थोड़ी बहुत उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो कि आपको पूरी मार्केट ग्रीन होती हुई भी देखने को मिलेगी और आप जो कि अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल पाएंगे मार्केट से। यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि बेबी डॉज कॉइन जो कि अपने कुछ जीरोस भी किल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो भैया, फिलहाल जो कि आप अभी बेबी डॉज कॉइन को या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखें। अगर आप इस पैनिक सिचुएशन के अंदर अपने टोकन्स को सोल्ड आउट
आउट करेंगे तो आपको जो कि भारी नुकसान भी अफोर्ड करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपने टोकन्स को होल्ड करके रखें क्योंकि फ्रेंड्स होल्ड इज द गोल्ड, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा होल्ड करने से। तो ये थी कुछ न्यू अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न क्रिप्टो की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंच जाती है। देन अगर इस टोकन के बारे में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपके पास आती रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, गुड बाय।